विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात चल रही है। यह मुलाकात संसद भवन के नए भवन में हो रही है। थोड़ा वक्त गुजर भी गया है, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या हो रही है बात, किन मुद्दों पर, उस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। उमा, क्या वजह पता चल पाई? जी देखिए, संसद भवन से हमारे सहयोगी के जरिए जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच पिछले 15-20 मिनट से मुलाकात जारी है। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि जिस तरीके से भारत और कनाडा के संबंधों में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तलखी आई है, उस मद्देनज़र जो है ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। आपको पता है, आपके जरिए दर्शकों को भी पता है शारी, कि किस तरीके से जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कनाडा की संसद में खड़े होकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए। और जो हरदीप सिंह निज्जर वहाँ पे जो कनाडाई नागरिक हैं, जो कि भारत की तरफ से एक भगोड़ा थे और जो कि खालिस्तानी अलगाववाद को जो हवा दे रहे थे, उनकी जो हत्या हुई उसको लेकर आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंसियों का इसके पीछे हाथ हो सकता है, इस बात की संभावना। उन्होंने जो कनाडा की जाँच एजेंसियाँ हैं उनको जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया। हालाँकि आज ही कनाडा में जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सिर्फ बयान दिया है, कोई सबूत नहीं पेश किया है और वो चाहते हैं कि सबूत पेश करें। तो या तो अगर सबूत है कनाडा के पास तो वो वहां के विपक्ष के नेता जैसा मांग कर रहे हैं वो सामने रखें, लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है सिरे से इन आरोपों को खारिज कर चुका है और भारत का सीधे तौर पे ये कहना है कि क्योंकि खालिस्तानी अलगाववादियों को कनाडा पनाह देता रहा है, वहां पर प्रश्रय देता रहा है और क्योंकि उस बात से फोकस कनाडा जो है वो हटाना चाहता है, इसलिए भारत पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं जो कि बिना सिर पैर के हैं, बेतुका आरोप हैं। तो भारत जो है उसने अपनी तरफ से एक बार फिर मांग की है कि जिस तरीके से खालिस्तानी अलगाववादी ताकतें जो हैं वो कनाडा में सिर उठा रही हैं, वहाँ जो भारतीय राजनयिक हैं उनके पोस्टर्स जारी करके, उनकी तस्वीर लगे पोस्टर्स जारी करके उनको नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही है और इन सब बातों पर भारत लगातार कनाडा से कार्रवाई चाहता रहा है ऐसी ताकतों के खिलाफ, लेकिन कनाडा जो है उसने उन पर कार्रवाई नहीं की है। उल्टा जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कहकर उनका बचाव करते नजर आए हैं कई मौक़ों पर। तो ये सब बातें जो है भारत को नागवार गुजरी है और जिस तरीके से कनाडा ने एक फैसला लेकर वहाँ पे जो भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख राजनयिक थे उनको देश से निष्कासित करने का फैसला लिया, भारत ने भी यहाँ पर जो एक कनाडा के टॉप डिप्लोमेट हैं उनको 5 दिनों के भीतर देश से चले जाने को कहा और ये आरोप लगाया है कि जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं और इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो इस सब जो पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री की मुलाकात अहम है। जाहिर सी बात है कि भारत चाहेगा जो कनाडा जो है जिस तरह से आधारहीन आरोपों को लेकर आगे आया है। हालांकि आज ट्रूडो का एक नया बयान भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका जो मकसद है वो भारत को उकसाना नहीं था, बल्कि जो ये गंभीर मामला है उसमें भारत का सहयोग चाहते हैं, जबकि भारत इसको सिरे से खारिज कर चुका है। तो जो एक परिस्थिति पैदा हुई है और दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं, ये जरूरी हो गया है कि कनाडा को कंटेन किया जाए जिस तरीके का वो आरोप लेकर सामने आया है। तो इस सिलसिले में मुलाकात है, मुलाकात के बाद क्या जानकारी निकल कर सामने आती है हम दर्शकों के सामने लेकर हाजिर होंगे।